का इंतजाम ना मैं अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस में करा देती हूँ। दीप, जिस घर में मुझे रिश्ता जोड़ना है आप उस घर की बहू हो, मैं आपकी हेल्प नहीं ले सकती हूँ। और ये मेरी लड़ाई है, प्लीज मुझे अकेले लड़ने दो। आपको पता है मम्मा और आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया कि मुझे लगता है मैं हर चीज हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन नैना जी, जो प्लीज जीजू, ये आप क्या? बस नैना, हर बात पे तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, तुमसे बड़ा हूं ना, इतना हक तो है मेरा। और मॉम, इस बात पे तो मैं आपसे भी लड़ जाऊंगा अगर आपने मना किया। ये जो आप तीनों की टीम है ना, बहुत ही क्यूट है, एक दूसरे की सारी बातें मान जाते हो, लेकिन एक टीम चीजा साली की भी तो है। नैना, नैना एक और बात है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। यही पास में हमारे जानने वाले मिस्टर शर्मा रहते हैं, उनका एक फ्लैट खाली है, मैं उनसे बात कर लूंगा। नैना, किराए की बात मैं नहीं करूंगा, और तुम कर ले, बस वो जानने वाले हैं तो हमें तसल्ली रहेगी कि एटलीस्ट तुम सेफ तो हो। जी। बोलते सुबह के सपने सच होते, सच्ची में भारत के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। या खुली आंखों से देखे सपने सच नहीं होते, तो बंद आंखों से देखे सपना क्या सच्ची होगा? तो कहना कि भारत आजकल भूत की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ, और दूसरे टुन्नू की वजह से मेरे मूड की वाट लगी रहती है, इसलिए थोड़े अजीब अजीब सपने आते रहते। आप जाके सो जाते हो। बताओ मैंने क्या सपना देखा? नहीं पता, पता चला है मेरे पे चिल्लाने लग गई कि मैंने इसकी नींद खराब कर दी, या फिर मेरा मजाक उड़ाएगी। जारी चैन से सो रही, सोने दे। तेनी तू भी फालतू की बातें मत सोच, सो जा। शुरवरी, तेरी आज सुबह से पारत से बात हुई क्या? नहीं, कल रात को ही थी, रात सुबह से नहीं हुई। एक्चुअली मैं सोच रही थी उन्हें फोन करने के लिए, मैंने तो इतनी मॉर्निंग में बिजी होंगे, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी उन्हें, इसलिए नहीं किया। तुम दोनों कितना सोचते हो ना एक दूसरे के बारे में, कि ये करूँ तो सही होगा, वो करूँ तो कहीं गलत ना हो जाए। तो अरे याद आ रही है तो उठा फोन और लगा दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर सच्ची में बिजी होगा तो काट देगा या फिर एक मैसेज कर देगा। सुरवरी पे भी बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ। हे, इतना ही होगा ना, और क्या होगा, लगा फोन। एक्चुअली यू आर राइट, चलो फोन करते बात। थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं ना।
चीनी? क्या हो गया, इतनी सारी चीनी क्यों खा रहे हो? बोलो मेरे को क्या होगा, वो क्या है ना, वैसे रतन्नु का ना ज्यादा शक्कर खाने का मन कर रहा है, इसीलिए ज्यादा शक्कर पी रही हूँ। अभी इसके मन के हिसाब से चलना पड़ता है ना। आओ खरा ना, आओ। आज ना मैं तुमसे बहुत खुश हूं, गर्व हो रहा है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। कितना इंतजार किया मेरे आपसे ये तारीफ सुनने का, और ये मिली भी तो कब, जब अपनी दोस्त को जाने के लिए कहना पड़ा मुझे। क्या करूं अब इस तारीफ का, दोस्त तो चली गई। क्या हुआ बेटा, ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़े हुए? अच्छा बाबूजी ने जो कहा उसकी वजह से अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो? देखो अच्छा है वो लड़की वापस बूंदी चली गई, वो इस घर में रहने लायक थी ही नहीं। मगर इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो लड़की दो दिन बाद दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाए। इसलिए ये चीजें तभी पक्की होती हैं जब इन पर कानूनी मोहर लग जाता है। खैर वो जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए तलाक के कागज मैं तैयार करवा लूंगा, तुम कल ऑफिस में आके उन पे दस्तखत कर देना। एक बार तलाक हो जाए फिर ये रोज रोज की झंझट ही खत्म। तलाक? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये पानी मेरे लिए लाइए ना। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे जल्दबाजी में ऐसे। डरो मत, ये तुम्हारी बेहोशी की हालत है ना, वो दूर करने के लिए। अपनी बहुओं के चक्कर में लगता है सुधबुद्धि खो बैठी हो, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है ये। अपनी बहुओं की मां बनने का इतना शौक चढ़ा है कि तुम्हें पता ही नहीं कि कैसे घर को बर्बाद कर रही है। मैंने और मेरे बेटे ने आज एक अहम फैसला लिया है, और दो दिन में तलाक के कागज बूंदी पहुंच जाएंगे। क्या मतलब है इसका? इधर आओ वापस, इधर आओ। अरे मतलब क्या है इस लड़के का, समझता क्या है अपने आप को? जितनी भी कोशिश करूं सुधारने की, नालायक सुधरेगा नहीं कभी। और ये सब तुम्हारी वजह से, तुमने इसे लाड़ पर चढ़ाया। जिसे ना कोई कॉल ना मैसेज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कोई मुसीबत में पड़ गए हो कहीं कुछ। नहीं नहीं तू बेकार में चिंता कर रही है, अगर सच्ची में कोई प्रॉब्लम होती तो पारक फोन करके हम सबको जरूर बताता ना। ऐसा नहीं है डेड, तो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है या वो किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए तो वो किसी से कुछ नहीं कहते, वो आपस में ही उलझे रहते हैं, वो खुद लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन किसी से कुछ कहे कि नहीं, ये सोच के कि दूसरे परेशान हो जाएंगे। I'm sure, डैडी, वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए। तो फिर अब तू क्या करेगी, यहाँ पे खड़ी खड़ी ऐसे कुड़कुड़ाती रहेगी या कुछ करने के बारे में सोचेगी? मैंने भाई के बारे में सुना, मैं फटाफट से नेक्स्ट फ्लाइट ले लेता हूँ और जयपुर निकल जाता हूँ, देखता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। शार्वरी बहू, ये देख, ये स्वेटर बनाया है, कैसा है?
क्या बात है, आप सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? वैसे बात का कोई ना मैसेज है ना कॉल है, कुछ पता नहीं चल रहा। I'm sure वो किसी मुसीबत में। मैं जयपुर जाना चाहती हूँ दादी जी, प्लीज। क्या? देख बेटा, ऐसा हो सकता है कि पार्थ का फोन में कोई गड़बड़ हो गई हो, मतलब खराब हो गया हो, और वो अपने काम में बिजी हो, उसे पता ही ना लगा हो। फिर इतनी सी बात के लिए ऐसी हालत में इतना दूर जाना। बा बिल्कुल सही कह रही है शोरबली को, अभी तो माँ बनने वाली है, ऐसी हालत में मुसाफिरी करना ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई, मुझे भी कोई बताओ ना, किस बात की टेंशन है? अरे अरे भरत कुमार, वो क्या है कि सुबह से पार्थ का फोन नहीं लग रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है, किस हाल में है, तो ये बहुत घबराई है। और ये अब पार्थ को मिलने जयपुर जाना चाहती है। मैं इसे बस इतना ही समझा रही थी कि इस हालत में। अरे बा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये ट्रैवल करेगी ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसकी सेहत पर। और फिर एक काम करते ना, मैं इसके साथ में चला जाता हूँ, आप लोग को भी तसल्ली रहेगी। हैं? बात तो आपकी सही है। हाँ तो बस, मस्त माइंड ब्लोइंग। मैं मिसेज हावड़ा के साथ में जाऊंगा। मिसेज हावड़ा तुम तैयारी करो, मैं भी फटाफट अपना सूटकेस तैयार करके आता हूँ। हाँ, हाँ। मैं जानती हूँ तेरे दिल की बेचैनी वहाँ जाए बिना कम नहीं होगी, लेकिन अपना ख्याल रखना और जैसे ही पार्थ से मिले हम सबको खबर करना। लेकिन दादाजी, शौर्वरी वो उन्हें पता चलेगा तो वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन तू उनकी चिंता मत कर, हम उन्हें बताएंगे। ठीक है, तू जाने की तैयारी कर। थैंक यू दादी जी। चल कोई नहीं। अमित, ना पार्थ जब तक ना लौटे तब तक प्लीज तुम टैनी और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। जी भाभी, मैं अभी आपकी फ्लाइट टिकट भी बुक कर देता हूँ और टेरी का ख्याल रखूंगा। आप आराम से जाइए, ओके? सर्वरी, ये हवाई जहाज में बैठ के जयपुर जाने में कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, फटाफट पहुंच जाएगी तू। अच्छा एक मिनट रुक, ये रक्षा ताबीज तूने मेरे को पहनाई थी ना रक्षा के लिए, ये तू रख ले, अभी तेरे और फारद के काम आएगी। हाँ ले। तू करण के कमरे में ये खाना लेकर नहीं जाएगी। ये दरवाजा नहीं, तेरे लिए लक्ष्मण रेखा है जिसे तू कभी पार नहीं करेगी। चाहते थे ना दिया कि मैं दूर रहूं करण से, जो आज मैं करण से ही नहीं यहाँ सबसे बहुत दूर चली गई हूँ दी, लेकिन अब मैं इन आंसुओं को भी नहीं रोक पाऊंगी दी।
ठीक ना? क्या हुआ मेघना? बहुत याद आ रही है ना नैना की, पर मेघना करण और नैना के रिश्ते की बुनियाद तो हमेशा से ही कच्ची थी ना, झूठ धोखा शर्त, आज नहीं तो कल ये सब तो होना ही था। पर तुम देखना, अगर कल को करण और नैना साथ आएंगे ना तो ये फैसला उनका अपना होगा, फिर कोई उनके बीच में नहीं आएगा, और इस बार उनके रिश्ते की बुनियाद प्यार होगा, और प्यार की बुनियाद तो हमेशा पक्की होती है ना, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई बीमारी हो या ना हो, वो दोनों साथ होंगे। इस रिश्ते में अगर बीमारी होगी तो मेघना, शौर्वरी तुम्हें बार बार फोन कर रही है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? 3 मिस्ड कॉल्स हैं। चलो रूम में चलते हैं, तुम वहां बात कर लेना। हाय मेघना, हाउ आर यू? शौर्वरी, ओह माय गॉड, इतने टाइम बाद तुझसे बात हो रही है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? मैं डिस्टर्ब होंगी तेरे फोन से। एक्चुअली आई एम सॉरी, मेरा फोन साइलेंट मोड पे था और याद ही नहीं रहा कि साइलेंट से हटाना भी था। अच्छा तो ये सब छोड़, तो बता तू क्या बात है, तुम ठीक हो ना? मैं नहीं, नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेघना मानती हूँ मैं तुम्हारे साथ सालों के बाद बात कर रही हूँ, लेकिन हम दोस्त हैं। मैं समझती हूँ भले हम सालों के बाद बात करें, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके धागे कभी कमजोर नहीं हो सकते। मुझे अच्छी तरह पता है तुम कब झूठ बोलते हो और कब सही। क्या बात है, क्या परेशानी है? तू तो जानती है ना कि नैना और मेरी शादी एक ही घर में हुई थी। हाँ तो, और आज नैना को ये घर छोड़कर जाना पड़ा मेरी वजह से। ये कैसे हुआ? नैना कैसी है? बाहर से तो यही दिखा रही है कि वो बिल्कुल ठीक है और सब कुछ हैंडल कर देगी, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा ये सब छोड़, तू बता, तू कैसी है, तेरी मैरिड लाइफ क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गई? सब ठीक है ना? सुन अगर कुछ है तो प्लीज मुझे बता। नहीं वो मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें बता दूं या तुम्हें सरप्राइज दूं, मतलब कि मैं जयपुर आ रही थी, अब तो मैंने तुम्हें बता दिया तो सरप्राइज तो रहा नहीं। तो तूने फौरन मुझे फोन कर दिया? हाँ सोचा तो वही रहती है, तुम मिल लो। बिल्कुल ठीक है, मैं पहुँच कर फोन करूंगी। अगर तो इस बार मुझसे मिले बिना गई ना तो बाय। सफर जयपुर जा रही है? सौरवरी अभी तक पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी? एक बार फोन लगा के देख लेती हूँ। आपके नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो स्विच ऑफ है। अगर वो जयपुर पहुंच गए तो उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? सब ठीक है ना भारत, उसको मिल गया है ना? नहीं नहीं मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, मैं टेंशन नहीं ले सकती। टेंशन लेना टुन्नु की सेहत के लिए ठीक नहीं है। शांति से बैठ जा और गहरी गहरी सांस ले। अबे तू ऐसे मेरे को घूरता रहेगा तो कैसे मेरे को चैन आएगा? तेरा टुन्नु भी तेरे को देख देख के ना मेरे को टेंशन दे रहा है। और अगर तूने एक भी बार और लात मारी ना मेरे को तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझा? या प्लीज कम। किसका फोन था? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने डिजाइनर दोस्त के बारे में बताया था, मैक्स?
हॉलीवुड का बहुत बड़ा डिजाइनर। हाँ हाँ बताया था। तो वो आज तुमसे शाम को मिलने आ रहा है और तुमसे मिलने के बाद सीधा इटली के लिए निकल जाएगा। मेरे से क्यों मिलने आ रहे हैं? मैं कहा कि हीरोइन हूँ अमन। तुम मेरी हीरोइन हो? एनीवे तुम्हें पता है वो ड्रेस का डिजाइन मैंने तुम्हें दिखाया था हमारी शादी के लिए, तो वही ड्रेस मैक्स तुम्हारे लिए बनाने वाला है। सही है अमन, जो सपने कभी सपनों में भी नहीं देखे वो सब सच्ची कर रहे तू। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। वो सब छोड़ अमन, मेरे को एक बात बता, तेरे को क्या लगता है सर्वरी अभी तक जयपुर पहुँच गई होगी? हाँ अब तक तो पहुँच गई होगी। एंड डोंट वेट एनी, मैं पूरी खबर रख रहा हूँ, अगर बात सच में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं खुद जाऊंगा। ओके या एक एक बार और फोन करके देखो सरवरी को। हाँ डैडी पहुंच गए तुम लोग, पार्थ मिला तुम्हें? हाँ हम उसी होटल में है, लेकिन पार्थ ने तो यहाँ से सुबह ही चेकआउट कर लिया। हाँ और जो कंपनी हमारा यहाँ काम संभालती है उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्हें तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में। डैडी सुनो एक बार का ध्यान रखना, घर में इस बारे में किसी को पता ना चले। ठीक है तो भी टेंशन नहीं ले, पार्थ मिल जाएगा। हाँ मैं फोन करती हूँ बाद में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पार्थ कोई बच्चा थोड़ी ना जो उनको नहीं मिलेगा। अगर पार्थ नहीं मिल रहे तो मेरे को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मैं जाऊं क्या पार्थ को ढूंढने? शायद मेरे को वो मिल जाए। तुमने तो क्यों जिद कर रहा है मेरे से पार्थ को ढूंढने की, पागल हो गए क्या? मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल बोल रहा है कि मैं पार्थ को ढूंढने जाऊं, पर मेरा दिमाग बोल रहा है कि नहीं जाओ। मैं किसकी सुनूं, अपने दिल की सुनूं कि अपने दिमाग की सुनूं? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया? वो इसलिए ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुम अकेली नहीं, कोई है जिसे तुम्हारे सपनों की, तुम्हारे चाहतों की और तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं जाऊंगी और मैं पार्थ की चिंता भी नहीं करूंगी, मैं यहीं पे रह के इंतजार करूंगी। एक बार फोन और कर लेती हूँ ना, पर सरवरी को फोन करने में थोड़ी कोई बुराई है। डैडी क्या बात है, अब तक का 50वां फोन है, मैं यहाँ पर भी पार्थ के लिए डैडी आई एम रियली सॉरी। तुम सिर्फ हमारे होने वाले बच्चे का अपना ख्याल रखो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। या मैं और संभालूंगी, फूफा जी भी है यहाँ पर मेरे साथ। ठीक है मिल जाएगा पार्थ, तू भी टेंशन नहीं ले। हाँ ठीक है नहीं करूंगी चिंता, सरवरी भी बोल रही है ना अपना टन्नू का ख्याल रखो, तो मैं क्यों करूँ चिंता, मिल जाएगा पार्थ। रेनी बेटा हाँ जरा मुझे एक गिलास पानी ला देना। अरे अरे मैंने तुझसे पानी मांगा था टेनी, फल नहीं, क्या बात है, तेरा ध्यान किधर है? वो दादी माँ कल सारी रात ठीक से सो नहीं पाई ना, इसीलिए दिमाग के फ्यूज जुड़े हुए। जब पूरी रात मन में अमन 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 चल रहा होगा तो नींद कहाँ से आएगी? हाँ दादी मैं एक बात बताऊँ, सुबह के आए जो सपने होते वो सच्ची में सच होते? ऐसे लोग बोलते ना कि सुबह जो सपना आते वो सच्ची हो जाते। देखो बेटा जब भगवान हमारा ध्यान किसी चीज की ओर दिलाना चाहते हैं तो हमें उस चीज के सपने दिखाते हैं, लेकिन हाँ सुबह के सपनों को भी जरा हल्के में नहीं लेना चाहिए, अधिकतर मामलों में सच ही होते हैं। अगर ये
ऐसा है तो अभी तो मैं पारद को जरूर ढूंढने जाऊंगी, फिर चाहे जैसे भी हो। सुन, मैंने फ्रिज में ना तेरी पसंद के कुछ फ्रूट्स रखे हैं और कुछ सब्जियां भी रखी हैं, 2-3 दिन के लिए आराम हो जाएगा। मम्मा, आपको कितना भी समझा लो, आप अपना काम कर ही लेते हो ना, मेरी फिक्र करने का क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मम्मा, मैं सब कुछ कर लूंगी। चिंता कैसे ना करूं, तेरी माँ जो हूँ, तुझे पता है घर पे पीने तक का पानी नहीं था। मैंने शर्मा जी से कह के ना कुछ पानी की बोतलें मंगवा ली। चिकू, मैं सोच रही हूँ, वैसे भी तू दिन भर घर पर अकेली होगी, नौकरी तो है नहीं, मैं तेरे साथ रह जाती हूँ। ऐसे क्यों देख रही हूँ, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? माँ हूँ तेरी नैना। माँ, गलत कुछ नहीं कहा है, पर आपके भी तो काम होंगे ना, मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मम्मा, जब मैं यहाँ जयपुर आई थी ना, तो 1-2 जॉब्स ऑफर हुई थी मुझे, उस वक्त मैंने खुद ही मना कर दिया था। अब कोशिश करूँगी तो आई एम श्योर कोई जॉब तो मिल जाएगी। ये क्या मम्मा, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मम्मा, आपने तो दी और मुझे सिखाया ना कि कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा हिम्मत बनाए रखना चाहिए, और फिर आप ही ऐसे चिंता करोगे तो आप भूल रहे हो मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, सब मैनेज कर लूँगी। तू जो ये स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने जा रही है, ये इतना आसान नहीं है, पर मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, और मैं जानती हूँ कि भगवान मजबूर हो जाएंगे तेरे हर इरादे को कामयाब करने के। बस तू अपना ख्याल रखना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर दे, मैं तुरंत आ जाऊंगी। टैक्सी मैंने रोकी है और मुझे प्लीज प्लीज मेरे को जाने देना, मेरे को वैसे ही बहुत देर हो गई, मेरे को बहुत जरूरत है अभी कहीं पहुंचने की। एक काम कर, तू भी बैठ जा, मैं तेरे को भी छोड़ दूंगी। क्या सोच रही है, पैसे मत देना, मैं तेरे को छोड़ दूंगी, आजा बैठ जा, बैठ जा, आजा। नहीं नहीं, शायद आपको ज्यादा जरूरत है, आप ये टैक्सी ले जाइए, मैं दूसरे में आ जाऊँ। अरे नहीं नहीं, आजा, डर क्या रही है, बैठ जा ना, मैं तेरे को छोड़ दूंगी, बैठ जा, बैठ जा, दरवाजा लगा, जल्दी लगा। चलो चलो भाई साहब, सीधे चलो, मैं आपको ना तेरी रोक्यो टैक्सी में से बैठ गई, पर बहुत जल्दी में जाना है। कोई बात नहीं। तो यहीं की रहने वाली है जी, और आप? मैं तो बड़ौदा से आई हूँ। अच्छा, जयपुर किसी काम से आई है? मैंने ना एक बहुत ही खतरनाक सपना देखा किसी अपने के बारे में, और वो यहाँ जयपुर में, इसलिए बेचैनी हुई तो भाग के यहाँ पे आ गई। हेलो अमन, बोल। नहीं नहीं, वो क्या है ना, जल पपुआ ने एक्सरसाइज बताई ना होने वाले टुन्नू के लिए, बस वो ही करने बाहर आई थी। हाँ हाँ, चल बाय। जयपुर अपने पति से मिलने आई थी। मेरा भी एक दोस्त है, और आप ही की तरह मुझे भी उसकी बहुत फिक्र है। पंतु तो शादीशुदा लग रही है मेरे को, तो फिर दोस्त? दोस्त तो आपका भी, मेरे पति ही तो मेरे दोस्त हैं। अब बस यहाँ रोक दीजिए, आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखना। जल्दी तेज चला।
लग रहे हो ना मेरे करण जैसे। ये स्माइल इसलिए क्योंकि अब तो तुम स्माइल भी करते हो। सॉरी पर क्या कहा था तुमने कि मैं चले जाऊंगी तो तुम्हें चैन मिलेगा? करण, पहले कभी तुम्हारे कह देने से चली गई हूँ क्या मैं? जो अब चली जाऊंगी, तुम ही कहते हो ना कि मैं अपनी लाइफ जिद से जीती हूँ, तो अब यही मेरी जिद है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी करण, और सिर्फ तुम्हारे कह देने से तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी। शुरू तुमने की है करण, पर अब ये लड़ाई मेरे स्वाभिमान की है जिसे मैं लड़ूंगी। कमाल है, चोटी का एक एक तो मेरा फोन चुरा के ले गए, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही। नहीं, चोटी कैसी हुई, अपना फोन भी तो मेरे को दे के गई है। दोबारा ट्राई करती। हेलो। हाँ हेलो, सुन मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? अरे भाई, जिसने तेरे को लिपट दी थी और तेरे से पैसे भी नहीं लिए, याद आया? हाँ हाँ। अरे पर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मारे दिल लिपट, तेरा नंबर मेरे पास नहीं है, मेरा फोन तेरे पास रह गया और तेरा फोन मेरे पास आ गया, समझी? फोन बदल गए हमारे। हाँ अभी क्या करेंगे। सुन, जिस कॉम्प्लेक्स के बाहर मैंने तेरे को उतारा था ना, उस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो मैं एक रेस्टोरेंट भी नजर आ रहा था, मैं तेरे को वहीं पे आके मिलती हूँ, आधे घंटे में पहुंचूंगी, वहाँ पे आके फोन बदली कर लेंगे, ठीक है? ओके थैंक यू। हाँ मिली है मेरे को। स्टेप का छोकरा लग रहा है, पर तेरे मगज में उदासी छाई है। बता टीनी को, बता क्या प्रॉब्लम है, बोल। आप हमेशा इतना बोलती हैं या आज कुछ ज्यादा? टीनी ना हमेशा उतना ही बोलती जितना उसके दिल में आता है। चल अब तो मेरे को बता, तूने क्यों मुंह लटका रखा है, बोल। वो फैसला जो हम दोनों की जिंदगी से जुड़ा है, वो सिर्फ तुम नहीं ले सकते हो करण। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं नहीं मानता हूँ शादी को, नहीं मानता इस रिश्ते को। अपना तमाशा बंद करो और जाओ यहाँ से।
सेकंड फोन। हेलो, हाँ मैं ये होटल जयपुर रेड के बाहर हूँ। हाँ हाँ बस पूछने ही वाली हो, दो मिनट में। हाँ चल। एक बात बता, कहीं प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गया तू? नहीं, दोस्त है। मारे दिल्लीवार, आज सुबह से ना मेरे को पता नहीं क्यों दोस्त टाइप के लोग ही मिल रहे हैं। ये इतना सिंपल मामला नहीं है, थोड़ा एक्चुअली कुछ ज्यादा उलझा हुआ है। उलझा हुआ है? चल तू मेरे को जानता नहीं है तो मैं तेरे को अपने बारे में बता देती हूँ। टेढ़ी ना बहुत समझदार है, तो तू मेरे को अपनी प्रॉब्लम बता, क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर पाऊँ। दुनिया की नजरों में वो मेरी वाइफ है, लेकिन मैं उसे सिर्फ दोस्त मानता हूँ, एक अच्छी दोस्त।